नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएसएनटी से एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देखे आप समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं पुरानी एसिनोफिलिया, नज़ला, ज़ुकाम और नाक में जो हड्डी वगैरह बढ़ जाती है उसको कैसे परमानेंट जो है ठीक किया जाए। देखिए पहली चीज़, आज के टाइम में एसिनोफिलिया बढ़ना, एलर्जिकल प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन हो गया है। देखिए क्लाइमेट चेंजेस बहुत सारे चीज़ें हैं और क्या है, दूसरी चीज़ क्या है ना कि हमारे जो डाइट प्लान है, लाइफ स्टाइल है, वो भी काफ़ी उल्टा सीधा है। जैसे रात को दो दो तीन तीन बजे आदमी लोग सोते हैं मोबाइल चलाने के कारण। अब वैसे मैं भी वही करता हूँ कभी कभी, जब मुझे काम रहता है तब। मैं रोज ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दूध का धुला हूँ, लेकिन मेरे पास जब काम रहता है, कमेंट्स वगैरह, वीडियो एडिट करें, तब मैं उसे करता हूँ। लेकिन नॉर्मल लोगों को भी आजकल तक दिन भर चिट चैट चल रहा है, अपना बाबू सोना खाना खाया, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी प्रॉब्लम देती है आपको एसिनोफिलिया बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है ना कि गर्म ठंडा, देखिए, और जैसे आप काफ़ी ज़्यादा बाहर का कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करते हो तो एसिनोफिलिया बढ़ना, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर आप समझ रहे हो कि देखिए कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक नेचुरल थिंग नहीं है। कोई भी चीज़ या ठंडा पानी भी आप पीते हो, ये भी एक नेचुरल चीज़ नहीं है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एनी मेडिकेशन कैन क्योर यू इनलेस नॉट द मिस्टेक यू मेक। कोई भी बीमारी अगर एग्जिस्ट कर रही है पूरी दुनिया में तो उसका कहीं ना कहीं गलती और कारण ज़रूर है। तो ये गलतियाँ आपको ही ढूंढनी है और उसका प्रिवेंशन करना है। तो ये जो पहली चीज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है, आप एकदम चिल्ड गर्मी में या गर्मी लगती है तो आप तुरंत फ्रिज से निकाल के या बाहर जाके खा लेते हो, तो ये चीज़ें ना करें, या जिनको प्रॉब्लम है वो ना करें, और जिनको अगर नहीं प्रॉब्लम है वो करें, फिर हो जाए तो फिर छोड़ दें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब एसिनोफिलिया का आप जांच कैसे करवाओगे, सिंपल से DLC टेस्ट होता है, उसमें आप एसिनोफिलिया का जांच कराओगे तो उसमें एसिनोफिलिया जो है नॉर्मल जो है 4 से 5 होना चाहिए, लेकिन अगर 5 से ऊपर बढ़ा हुआ है, किसी किसी को 15, 20, 25 भी चला जाता है, तो समझ लो आपको एसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है। एसिनोफिलिया बेसिकली है क्या, ब्लड में एक एलिमेंट है जो कि नॉर्मल होना 4 से 5 होता है, तो आपकी बॉडी नॉर्मल रिएक्ट करती है, लेकिन वो जो बढ़ जाता है तो कुछ सिम्टम्स जो है आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे पहले नाक की मांस है जो वो बढ़ जाता है, आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं, धूल डस्ट अगर आपके नाक के अंदर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा छींके आने लगती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। खाना बनाते समय कोई भी अगर जैसे ज़्यादा ऑयली फूड बन रहा है जिसमें स्मेलिंग ज़्यादा है, स्मेल ज़्यादा निकल रहा है, तो स्मेल लेने से आपको बार बार छींके आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो है आप परेशान हो जाओगे इस चीज़ से। मतलब काफ़ी इरिटेटिंग होता है जब बार बार आपको छींके आने लगती है। तीसरी चीज़ में सिम्टम ये होता है, नाक से बराबर जो है आपको पानी निकलते रहता है, ठीक है, नाक से पानी निकलते रहता है, ये बहने लगती है और नाक जो है जाम हो जाता है, खासकर रात में सोते समय आपका नाक जाम हो सकता है, ठीक है, नाक जाम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी सिम्टम जो है एसिनोफिलिया में परसिस्ट करता है। ये जानलेवा बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इरिटेटिंग डिजीज़ है, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान करता है। बहुत ज़्यादा आपको बढ़ जाएगा तो सर में दर्द, ऐसा घबराहट, सांस लेने में प्रॉब्लम, अगर एलर्जी के साथ साथ कफ भी अगर आपके सीने में बन रही है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, सांस फूलने की समस्या हो सकती है, ठीक है, और ब्रोंकाइटिस हो सकता है, गले में जो है ये नलिका होती है ना ट्रेचे, उसमें आपको सूजन आ सकता है, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है एलर्जी बढ़ने के लिए। तो अगर ये सारे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी ठंडा गर्म खा लेने से आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जुकाम हो जाता है, बार बार जुकाम होने लगता है बारिश में भीग जाने से, या फिर क्या है, बहुत ज़्यादा काम वगैरह कर देने से, थकान आ जाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो समझ लो आपको एसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है। इसमें एक और सिम्टम आता है खासकर महिलाओं में कि बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोरी लगती है, ठीक है, एसिनोफिलिया अगर बढ़ा रहेगा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको अंदर से महसूस होगा, तो ये भी एसिनोफिलिया में प्रॉब्लम होती है, ठीक। आगे इसमें हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे करना है। देखिए पहली चीज़ जो जितनी भी गलतियाँ हैं, ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी, जैसे खीरा हो गया, मूली हो गया, ठीक है, और टमाटर खा सकते हो, टमाटर की दिक्कत नहीं है, और दही हो गया, कोल्ड ड्रिंक वाली सामान जो बाहर की होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, वो चीज़ आपको नहीं लेना, ठीक। ये इतना हो गया प्रॉब्लम कि इसका सॉल्यू प्रिवेंशन मैंने बता दी, सिम्टम बता दी। अब इसमें बात कर लें कि मेडिसिन कौन सी लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए पहली जो मेडिसिन है वो है मदर डेंजर में है, इक्लिप्टस ग्लोबुलस, ठीक है, ये पहली मेडिसिन है। और इसमें जो दूसरी दवा मिक्स करनी है वो है ओसिमम सेंट, ठीक है, मदर टिंचर में। इस दोनों को क्या है ना, एक में मिक्स कर लेना है और सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंद हल्के से गुनगुने के पानी के साथ लेना है, तो ये आपको काफ़ी आराम देगा।
दूसरी जो दवा है जो दिन में एक बार लेना है, सिर्फ सुबह में लेनी है, याद कर लेगा, आर्सेनिक आयोड। ठीक है, आर्सेनिक आयोड मेडिसिन को आपको दिन में एक बार लेना है सुबह में, और ये जो बार बार छींके वगैरह आती है ना, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये दवा जो है ना, कितने दिन तक लेना है, देखिए ये दवा तब तक आपको लेनी है, ये 6 महीने भी लेना हो पड़ सकता है। अगर आपका इसनोफिलिया ज़्यादा बड़ा हुआ है, 14, 15, 20 अगर इस तरह का बड़ा हुआ है, तो 6 महीने कम से कम लेना पड़ सकता है। अगर कम है, 9 है, 8 है और 10 के नीचे है, तो हो सकता है कि 2 से 2.5 महीने में आपको लेना पड़ जाए। जो प्रिवेंशन है वो आपको ज़रूर करें, साथ ही जो ये दवा है थोड़ा सब्र रखें। ये इसनोफिलिया क्या है ना, एक बॉडी फंक्शनल वर्क है, ये सीधा आपके माइंड से रिलेटेड होता है, आपकी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा सब्र रखना होता है। एकदम गारंटी ठीक होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार नाक जाम हो जाता है, रात में सोते समय प्रॉब्लम होती है, छींके बहुत ज़्यादा आ रही है, तो एक और मेडिसिन आप जो है ले सकते हैं, NS, नेट्रम सल्फ 12 एक्सपोटेंसी में। ये आपको बायोकेमिक मेडिसिन है, ये आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना अगर 6-7 साल से है तो। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने अपने आप को अच्छे से रखते हैं और कितना अच्छे से मेडिसिन आप खाते हैं, उतनी जल्दी आपकी डिजीज जो है क्योर होगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। वीडियो को लाइक करना जरूर कर दोस्तों, और शेयर तो एकदम बनता ही बनता है, अपने फ्रेंड फैमिली के पास, दोस्त में अगर किन को ऐसा प्रॉब्लम है उनको आप शेयर कर दो, ताकि उनका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके। एकदम गारंटी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। थोड़ा सब्र और पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़।